हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आओ करके सीखे की श्रृंखला में बच्चों आज हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास पानी है और ये हमारे पास आइस क्यूब्स है। अब जब हम इसको पानी में डालेंगे तो हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ जो है पानी की सतह पर तैरती डूबती नहीं। देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं जो आइस क्यूब है वो तैर रही है। हम डाल के और देख सकते हैं तो बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। तो जिस भी पदार्थ का घनत्व जिस पदार्थ में डाला गया उससे कम होगा तो उस दिए गए पदार्थ में वह पदार्थ तैरेगा, और यदि उस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होगा तो पदार्थ दिए गए पदार्थ में डूब जाएगा। अभी बर्फ का घनत्व पानी से कम है इसलिए पानी की सतह पर बर्फ तैर रही है। फिर हम आपको बताएंगे घनत्व होता क्या है। ये हमने एक बड़े बीकर में पानी लिया है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हमको देखना है आलू तैरेगा कि डूबेगा। आप अच्छे से देख रहे हैं कि जो आलू, हम और पानी थोड़ा सा डाल देते हैं, ये जो आलू है सतह पर क्या हो गया, देखिए एकदम डूब गया है ना, सतह पर नहीं अंदर चला गया बेस पे। ऐसे हम नींबू डाल के देखेंगे तब भी ये दिख रहा है कि यह भी क्या हो गया, डूब गया है। अब हम आपको एक सरल सा प्रयोग जादू करके दिखाएंगे कैसे ये हमारा तैरेगा इसी पानी पर। अब हम इसको बदल देते हैं और हम इसमें हमारा जादू वाला पानी लेंगे जो मैंने बना के रखा हुआ है। फिर मैं उसका कारण भी बताऊँगी ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे पानी का रंग थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इसमें ये डालते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। आप अच्छे से देखेंगे आलू क्या है, सतह पर आ गया, यह डूबा नहीं। पहले तो घनत्व तो पानी से ज्यादा था, अब इस जादू वाले पानी में ऐसा क्या चीज है कि अब आलू का घनत्व इस दिए गए पानी से कम हो गया और तैरने लगा। यह नींबू भी हम डालकर देखते हैं, ये देखिए यह नींबू भी सतह पर तैर रहा है ना, डूबा नहीं है। जबकि इसके पहले जब हमने इसमें किया था पानी यही था हमारे पास, देखिए है ना, ये पूरा सतह पर है, डूब गया है और इस पे ये क्या हो रहा है, तैर रहा है। ये नींबू को भी हम करके देखते हैं, ये देखिए ये है ना सादे पानी में पूरा डूब जाता है और ये वाले पानी में देखिए पूरा दिख रहा है, तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? असल में सादे पानी में हम क्या करते हैं, नमक, बहुत सारा नमक ना, ये भी कम, इतना ही कम से कम नमक मैंने इस पानी में डाला है। अच्छे से हम इसको घोलते हैं तो पानी डालने से, नमक डालने से पानी में क्या होता है बच्चों, पानी का घनत्व बढ़ जाता है। ये जो हमने पानी में नमक डाला गया कहाँ, पानी क्या है, द्रव है, और हम जानते हैं जो द्रव के कण होते हैं उनमें थोड़ा गैप होता है ना, द्रव जो द्रव द्रव्य होता है, द्रव पदार्थ उसके कणों के बीच इतना गैप होता है कि उसमें दूसरे पदार्थ के कण फंस जाते हैं। नमक ठोस है तो ठोस के कण पानी के कणों के बीच फंस गए और पुरोसी में समा गए, उन्हें बहुत सारा नमक डाला है। तो अब नमक विलयन जो पानी हो गया, नमक मिला, नमकीन पानी, अब उसका घनत्व सादे पानी के घनत्व से ज़्यादा हो गया और आलू का घनत्व कम हो गया। इसलिए आलू या नींबू, कटा आलू भी हम ले सकते हैं, इसलिए नमकीन पानी में तैरने लगा। तो यह था बच्चों घनत्व। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे घनत्व का मतलब होता घना होना। घनत्व की परिभाषा होती है इकाई आयतन में दिए गए पदार्थ की मात्रा। आयतन में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और दिए गए आयतन में पदार्थ की मात्रा कम होगी तो घनत्व कम होगा। जैसे आपके गाँव में मेन रोड से मान लीजिए आपका स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस 1 किलोमीटर की दूरी पर घरों की संख्या जो है 15-20 है और पूरा पास पास घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वह जो रास्ता होगा सघन हो जाएगा। लेकिन आपके स्कूल मेन रोड से आपके स्कूल के बीच सिर्फ 3 या 4 घर हैं और उनमें भी कम लोग रहते हैं, तो वही मार्ग खाली खाली विरल हो जाएगी। यही होता है घनत्व। उम्मीद है बच्चों आप सभी को घनत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र होता है घनत्व बराबर संगति बटे आयतन। तो आप सभी को अच्छे से घनत्व समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।